जब जब तू खुश हुआ है ना तब तब मैं बर्बाद हुआ। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमसी चक्रवर्ती की मूवी बैड बॉय की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। गाइस, आज है इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है काफी बढ़िया कलेक्शन। यस गाइस, इस मूवी ने शुरुआत तो इतनी कुछ खास नहीं की थी बट अच्छे रिव्यूज होने की वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बढ़ता चला गया। वैसे तो पब्लिक से इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और साथ ही में नमसी चक्रवर्ती को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। गाइस, इस मूवी से नमसी चक्रवर्ती और अमरीन कुरैशी जो है बॉक्स ऑफिस पर डेब्यू कर रहे हैं और साथ ही में इनके नजर आ रहे हैं जॉनी लीवर जैसे कलाकार। गाइस, मूवी कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी वजह से भी इस मूवी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो वहीं ये मूवी बनकर तैयार हुई थी राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में। गाइस, मूवी का टोटल बजट है 25 करोड़ रुपए और वहीं इस मूवी को केवल 700 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया है। कम स्क्रीन होने की वजह से भी इस मूवी का कलेक्शन थोड़ा कम आया बट अगर इस मूवी की स्क्रीन बढ़ जाती तो शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री लेती। पर कोई ना, इस मूवी ने फिर भी उम्मीद से काफी अच्छी कमाई कर ली है। तो अगर बात करें कलेक्शन की तो गाइज, इस मूवी ने अपने पहले दिन ओपनिंग ली 1,80,00,000 रुपए की, तो वहीं अपने दूसरे दिन कमा लिए 1,90,00,000 रुपए। और अगर आप बात कर ले आज यानी कि इसके तीसरे दिन के कलेक्शन की तो गाइज, आज की ऑक्यूपेंसी कल से कम है और ये मूवी आज लगभग 2,10,00,000 रुपए का कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो इस मूवी का तीन दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 5,80,00,000 रुपए, तो वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन आ रहा है 6,80,00,000 रुपए और ओवरसीज में इस मूवी ने लगभग 50,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। तो इस मूवी का तीन दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 7,30,00,000 रुपए। यस गाइस, तीन दिन और 7,30,00,000 रुपए। अब देखना यह है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने में कितना टाइम लगाती है, क्योंकि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 28 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो गाइज, ये थी बैड बॉय मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अगर आप लोग भी ये मूवी देखने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।